नमस्कार, मैं अप्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। 1 फरवरी को मतदाताओं को मिलेगी ई वोटर आईडी कार्ड। देश में लगभग 91.19 करोड़ मतदाताओं के वोटर आईडी कार्ड 1 फरवरी से ऑनलाइन दिए जाने वाले हैं। चुनाव आयोग ने देश में ई वोटर आईडी कार्ड को मंजूरी दे दी है। नई व्यवस्था में मतदाताओं को सरकारी और गैर सरकारी पहचान के लिए वोटर आईडी कार्ड लेकर घूमने से आजादी मिल जाएगी। ई वोटर आईडी कार्ड की लॉन्चिंग चुनाव आयोग 25 जनवरी को ही पूरे देश में एक साथ करने जा रहा है। आयोग ने देश में ई वोटर आईडी कार्ड की मंजूरी देते हुए बताया है कि इसे अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों की तरह डीजी लॉकर में भी सुरक्षित रखा जा सकता है। जरूरत पड़ने पर उसे मोबाइल से डाउनलोड कर भी उपयोग में लाया जा सकता है। ई वोटर आईडी कार्ड मतदाताओं के निबंधित मोबाइल पर ही उपलब्ध होंगे। घर में बर्थ और दूसरे शहर तक आपका सामान पहुंचाएगा रेलवे। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को अब घर से सामान ले जाने या स्टेशन से सामान घर तक पहुंचाने की चिंता से जल्द छुटकारा मिलने वाला है। कुलियों से रेट को लेकर किचकिच भी अब नहीं होगी, जिसके बाद अब रेलवे ही अब आपका सामान घर से बर्थ और दूसरे शहर तक पहुंचाने वाला है। पूर्व मध्य रेल के दानापुर रेल मंडल ने इस नई सुविधा को मंजूरी दे दी है। दानापुर रेल मंडल से इसकी शुरुआत की जिम्मेदारी एजेंसी bookandbaggages.com को मिल गई है, जिसके बाद फरवरी के अंतिम हफ्ते तक पटना में इसकी शुरुआत होने वाली है। पटना जंक्शन के निदेशक डॉक्टर नीलेश कुमार ने बताया है कि इस योजना की मॉनिटरिंग मंडल के वरीय वाणिज्य पर्यवेक्षक खुद कर रहे हैं। पटना जंक्शन पर एजेंसी की रेलवे ने अमानती सामान गृह में 300 वर्ग फीट जगह दी है। एजेंसी सेटअप के लिए काम शुरू कर चुकी है। एजेंसी के चंचल घोष ने इस बात की जानकारी दी और बताया है कि सुविधा का नाम एंड टू एंड पैसेंजर बैगेज सर्विस है। सामान बुक करने के लिए एजेंसी ऐप और वेबसाइट बना रही है। त्रिपुरा में भी अब होगा जदयू का विस्तार। गांधी, जेपी, लोहिया, अंबेडकर और कर्पूरी के सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी जदयू ने अपने कंधों पर उठाई है। ऐसा हम नहीं बल्कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह का कहना है। उन्होंने इस बाबत अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि हमारे नेता नीतीश कुमार ने इन्हीं महापुरुषों के विचारों और आदर्शों पर चलकर नए बिहार का निर्माण किया है। न्याय के साथ विकास की अवधारणा पर चलकर उन्होंने बिहार के सभी वर्ग, समुदायों और क्षेत्र को एक समान विकास संभव किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने अब त्रिपुरा के विस्तार पर भी जोर दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि हमें त्रिपुरा में भी इसी संकल्प के साथ लोगों के बीच जाना है और पार्टी का विस्तार करना है। इसको लेकर उन्होंने त्रिपुरा जदयू के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत भी की है। प्रस्तावित होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी का शुरू हुआ विरोध। नगर निगम के कर बढ़ाने पर राजद कार्यकर्ताओं ने आक्रोश मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे नगर निगम अब टैक्स जमा नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त होते जा रहा है। निगम ने 17 बड़े बकायेदारों को कर नहीं चुकाने के कारण संपत्ति जब्त करने का नोटिस भी भेज दिया है। वहीं होल्डिंग टैक्स में 15% बढ़ोतरी करने का भी निर्णय लिया गया है, जिसके कारण सरकार और नगर निगम का पटना में विरोध देखने को मिल रहा है। नगर निगम द्वारा होल्डिंग टैक्स में प्रस्तावित 15% की बढ़ोतरी का विरोध पटना साहिब के राजद कार्यकर्ताओं ने किया है। इस दौरान राजद कार्यकर्ता ने नगर विकास और पटना नगर निगम के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और अशोक राजपथ होते हुए आक्रोश मार्च निकाला। शीतलहर की चपेट में बिहार। बिहार में ठंड का सितम लगातार देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, ठंड ने अब पटना वासियों की परेशानी भी बढ़ा दी है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो ठंड से अभी पटना वासियों को कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं जताई गई है। राजधानी पटना में तो ठंड के साथ साथ लोग घने कोहरे से परेशान नजर आ रहे हैं। तापमान में गिरावट के चलते लोगों ने घरों से निकलना भी कम कर दिया है। इसके साथ ही कोहरे से विजिबिलिटी भी 50 मीटर तक ही दर्ज की जा रही है। पटना मौसम विभाग की माने तो फिलहाल बिहार समेत उत्तरी भारत के अधिकांश राज्य भीषण शीतलहर की चपेट में है। दो दिनों बाद मौसम में सुधार हो सकता है। पश्चिम से आने वाली बर्फीली हवा 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बह रही है। इसके अलावा हिमालय पर हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाके सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। जनवरी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई बड़े प्रोजेक्ट की रखेंगे नींव। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनवरी में कई बड़े प्रोजेक्ट की नींव रखने वाले हैं। जनवरी में ही कारगिल चौक से एनआईटी तक एलिवेटेड रोड की आधारशिला रखने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विश्व के सबसे बड़े अस्पताल के लिए निर्माण का शिलान्यास करने वाले हैं। टेलीमेडिसिन सेवा की भी अब शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करने वाले हैं। इसके साथ ही 3 बड़े कार्यक्रम के लिए तैयारी जारी है। कार्यक्रम का शिलान्यास मुख्यमंत्री 23 जनवरी यानी कि आज करने वाले थे, लेकिन फिलहाल अब यह रद्द हो गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनवरी में ही पीएमसीएच को विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल बनाने की नींव रखने वाले हैं। इसके साथ ही पहले डबल डेकर रोड के निर्माण की भी आधारशिला रखेंगे। अब इतनी पुरानी कमर्शियल और प्राइवेट गाड़ियों का नहीं होगा परिचालन। बिहार को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सरकार हर संभव कोशिश करती नजर आ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप अब 15 साल पुरानी कमर्शियल गाड़ी और 20 साल पुरानी प्राइवेट गाड़ियों के परिचालन पर रोक लगा दिए जाने का फैसला लिया गया है।
इस दौरान ऑटोमेटेड फिटनेस सर्टिफिकेशन सेंटर पर ऐसी गाड़ियों का स्वतः रजिस्ट्रेशन रद्द किए जाने की तैयारी हो रही है। इसके साथ ही केंद्र सरकार के स्तर पर पुरानी गाड़ियों को सड़क से हटाने का निर्णय लिया जा रहा है। देशव्यापी किए जा रहे इस फैसले की जानकारी बिहार सहित राज्य भर को सौंप दी गई है। केंद्रीय सड़क राजमार्ग एवं परिवहन मंत्रालय की तरफ से तैयार की जा रही इस नीति का नाम व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी का नाम रखा गया है। नीति को पारित करने से पहले राज्यों को इस पर अपनी अपनी राय रखने को भी कहा गया है। टीईटी अभ्यर्थियों ने उप मुख्यमंत्री से की मुलाकात। प्रारंभिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया पूरी करने की मांग को लेकर टीईटी अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधिमंडल ने आज बिहार के उप मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। उप मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान टीईटी अभ्यर्थियों ने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि जब तक नियोजन प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है तब तक हमारा आंदोलन जारी रहने वाला है। इससे पहले शुक्रवार की शाम अभ्यर्थियों का प्रतिनिधिमंडल प्राथमिक विभाग के निदेशक रंजीत कुमार से मिलने पहुंचा था। एनआईयूएस डीएलएड शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष पप्पू कुमार ने बताया कि शाम 4 बजे 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल प्राथमिक निदेशक रंजीत कुमार से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने 25 से 27 जनवरी के बीच में सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया है। नियोजन प्रक्रिया पूरी करने को लेकर सरकार फिलहाल विचार कर रही है। करीब 1 साल बाद बिहार में खेल गतिविधियों की होगी शुरुआत। कोरोना के माहौल में बीते पिछले 1 साल में खेल गतिविधियों पर पूर्ण विराम लगा हुआ था। हालांकि अब धीरे धीरे करके खेल गतिविधियों की शुरुआत की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार साफ सफाई समेत अन्य एहतियातों के साथ सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग ने खेल गतिविधियों तथा खिलाड़ियों के प्रशिक्षण को हरी झंडी दे दी है। खेल निदेशक संजय कुमार सिन्हा की तरफ से शुक्रवार को मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर दिया गया है। इसके मुताबिक 50% दर्शकों की कुल क्षमता के साथ इंडोर और आउटडोर स्टेडियम में खेल आयोजन एवं प्रतियोगिताएं कराई जा सकती हैं। हालांकि खेल गतिविधियों को आरंभ करने के पहले खेल सामान और स्थल की साफ सफाई और इन्हें सैनिटाइज करना होगा। रिम्स में लालू को देख रो पड़ी राबड़ी देवी। लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य में कोई सुधार आने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके बाद उन्हें दिल्ली स्थित एम्स शिफ्ट करने की तैयारी पर सोच विचार चल रहा है। ईटीवी भारत की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार डॉक्टर के बोर्ड से रिपोर्ट मिलने के बाद जेल प्रशासन लोअर कोर्ट में इसकी स्वीकृति लेने वाला है, जिसके बाद ऐसी संभावना है कि आज ही लालू यादव को दिल्ली शिफ्ट किया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, लालू यादव की तबीयत बिगड़ने के बाद उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती और दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप यादव भी रांची में है, जहां लालू प्रसाद यादव का परिवार उनसे मिलने पहुंचा था। मिली जानकारी के अनुसार लालू यादव की बिगड़ी तबीयत को देखकर राबड़ी देवी भी काफी भावुक नजर आईं। मैट्रिक और इंटर परीक्षा के लिए 27 से ही जिलों में कैंप करने की शुरू हुई तैयारी। इंटरमीडिएट और मैट्रिक की परीक्षा के कदाचार मुक्त और स्वच्छ वातावरण में संचालन के लिए अब नोडल पदाधिकारी ने बड़ा निर्णय लिया है, जिसके तहत नोडल पदाधिकारी 27 जनवरी से ही अपने प्रभार के जिलों में कैंप करने का फैसला ले चुके हैं। शिक्षा विभाग के निदेशक प्रशासन सुनील कुमार ने शुक्रवार को यह नया आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि पहले 31 दिसंबर को नोडल पदाधिकारियों की सूची जारी करते हुए नोडल पदाधिकारियों को 30 जनवरी से कैंप करने को कहा गया था। निदेशक प्रशासन ने अपना ताजा आदेश जारी करते हुए कहा है कि सभी नामित नोडल पदाधिकारी अपने आवंटित जिले में 27 जनवरी को अनिवार्य रूप से पहुंचना सुनिश्चित करेंगे। आपको बता दें, इंटरमीडिएट की परीक्षा 1 से 13 फरवरी तक जबकि 10वीं की परीक्षा 17 से 24 फरवरी तक होने वाली है। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे संदीप दास की। संदीप दास का जन्म आज ही के दिन साल 1971 को बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। संदीप दास एक भारतीय तबला वादक और संगीतकार है, जो वर्तमान में बॉस्टन एमए में स्थित है। सिल्क रोड एंसेंबल सिंग मी होम के लिए योयो मा के साथ उनके सहयोग ने 59वें ग्रैमी अवार्ड 2017 में सर्वश्रेष्ठ विश्व संगीत एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता था। पहले उन्हें 2005 और 2009 में ग्रैमी पुरस्कार के लिए 2 बार नामांकित भी किया गया था। जदयू नेता ने तेज प्रताप यादव से पूछा सवाल। बिहार में सोशल मीडिया को लेकर एक नया फरमान जारी हुआ है, जिसके बाद अब सोशल मीडिया पर किसी भी मंत्री, सांसद, विधायक, अधिकारी और कर्मचारी के साथ किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ अनाप शनाप टिप्पणी कर अब कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर अब विवाद भी शुरू हो गया है। इतना ही नहीं, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और हसनपुर से राजद विधायक तेज प्रताप यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है, जिसके लिए उन्होंने ट्विटर का सहारा लिया है, जहां पर उन्होंने कहा था कि पलटूराम को अगर पलटूराम कहना भी अब अपराध की श्रेणी में आएगा क्या। जिसके बाद मधेपुरा से जदयू के उम्मीदवार रहे निखिल मंडल ने तेज प्रताप यादव के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा है कि पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, यह गाना काफी दिनों से वायरल हो रहा है, लोग इसे काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। सपना चौधरी की ब्लैक साड़ी की तस्वीर सोशल मीडिया पर कर रही है ट्रेंड। हरियाणवी डांसर सपना चौधरी अपने
अपने अलग अंदाज के लिए पहचानी जाती है। सोशल मीडिया पर वो आए दिन अपने ग्लैमरस तस्वीरों को भी शेयर करती रहती हैं। इसी क्रम में सपना चौधरी ने हाल ही में एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वो काली साड़ी पहने नजर आ रही है। इस तस्वीर के साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी चाल कछुए की है या खरगोश की, क्योंकि मैं वो शेरनी हूं जो जंगल में बैठकर ही कोहराम मचाती रहेगी। सपना चौधरी के इस तस्वीर को लोगों ने काफी पसंद किया है। अब तक 1,00,000 से ज्यादा लोगों ने खबर लिखे जाने तक इस तस्वीर को लाइक कर दिया था। आपको बता दें कि इससे पहले सपना चौधरी ने अपना नया गाना लोहरी भी रिलीज किया था, जो कि उन्होंने अपने ही नए लॉन्च हुए चैनल ड्रीम एंटरटेनमेंट हरियाणवी पर रिलीज किया था। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में खेल जगत को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने की जरूरत है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।